1971 की कड़वी यादों से आगे बढ़कर ये जो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की, क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा सवाल ये कि क्या अब जो बांग्लादेश है पाकिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? आई थिंक शायद इसका ये रिश्ता कहलाता क्या का मोटा मोटा आंसर मेरे को जो दिखता है वो है ये रिश्ता कहलाता है भाईचारा। बांग्लादेश में एक सर्टन सेगमेंट थी पॉपुलेशन की जमात जिसका पावर बेस है करीब 20-25%, जो इंडिपेंडेंस के बाद से ही और उससे पहले से ही पाकिस्तान से रिश्ते कायम रखना चाहते थे। अब ये हो गया है कि ये जो ये ओपिनियन बांग्लादेश में ज्यादा हावी हो गया है, और एक तो भाईचारा पाकिस्तान के साथ और दूसरा इस्लाम को लेकर के इधर जमात है जो जाती है कि पाकिस्तान से रिश्ते ज्यादा हो, और दूसरा है कि वाइडर पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश भी अब ये चाहती है, शायद दिखता है कि इस्लाम को ज्यादा अडॉप्ट किया जाए अपनी सोशल लाइफ में। ये लोग मूव अवे हो रहे हैं अपनी बंगला आइडेंटिटी से। देखिए दो आइडेंटिटी है बांग्लादेश में, राइट, इन अ वे बंगला एंड इस्लाम या मुस्लिम। अभी तक इनफैक्ट अभी उस दिन कोई बात हो रही थी, सड़कों पे जो ग्राफिटी लिखी जाती थी, स्लोगन लिखे जाते थे, अभी तक वो बंगला में लिखे जाते थे ज्यादातर, पर अब आप क्या देखने लगे, अब ज्यादा उर्दू में लिखी हुई ग्राफिटी आ रही है। तो इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ती दिख रही है ओवरऑल बांग्लादेश में, एंड उसमें से एक पोर्शन है जो कि पाकिस्तान से भाईचारा चाहता है। एंड थर्डली एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट हो रही है, करी जा रही है विदाउट डाउट, जो कि भारत को और बांग्लादेश के रिश्तों को डिस्टेंस में करे। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर यह है इरशाद अहमद जी कि जो बांग्लादेशी, जो बांग्लादेश के रहनुमा अब तक नाम नहीं लेते थे पाकिस्तान का, तख्ता पलट के बाद ही जिस तरीके से दोनों ओर से जो दौर चल रहा है बधाइयों का, मिल मुलाकातें हो रही हैं, रिश्तों को बेहतर करने को लेके कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अब ये तब्दीली अचानक यूं कैसे हो गई, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, स्क्रिप्ट क्या, जरा समझाएंगे दर्शकों को? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए जब से बांग्लादेश हमसे लहदा हुआ, बंगाली भाई हमसे बिछड़े और उसमें दगाबाजी एक मुल्क ने की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चीख चिल्लाहट शुरू हो जाएगी, हकीकत में तो हिंदुस्तान ही था, तो उन्होंने आजादी हासिल अब की है, जब से वो बेचारे हमसे बिछड़े थे पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ विद्रोह करके बांग्लादेश वहां से अलग हुआ था 1971 में, इसमें कोई और तीसरा चौथा देश का जिक्र कर रहे हैं आप, तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेश ने खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, उससे अलग हो गया था। ठीक है, पहले बोलने का दीजिए। जी जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जी 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 बोलिए। देखिए अब उन्होंने आजादी हासिल की, अब वो आजाद है, अब वो इस्लाम की प्रचार भी करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करेंगे क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। दूसरी बात यह है मोहम्मद यूनस अपनी मर्जी से नहीं मिल रहे, उनकी कौम चाहती है कि पाकिस्तान से दोबारा से इलाक हो, पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़े। हम तो आपसे भी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहरीले हैं आप लोग, आप हमारी बात नहीं सुनते, आप शोर डालते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आओ मिलकर के फूल पेश करें, हमेशा से मैं यही बात करता हूँ जब से आपके साथ बैठ के डिबेट में हिस्सा लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मोहम्मद यूनस और हमारे वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो ये खुशाइन बात है, आपके वजीर आजम मोदी जी भी अगर हों तो उनको भी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि उन्हें वो वादा करें शहबाज शरीफ साहब थे कि आए मिलकर के कश्मीर को आजाद करते हैं, आओ मिलकर के कश्मीरियों को आजादी देते हैं, आओ मिलकर के खित्ते में खुशहाली लाते हैं, आओ मिलकर के ट्रेड बढ़ाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं। कर्नल शैलेंद्र जवाब दीजिए इनका, बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है, लिहाजा ये भाईचारा दिखाई दे रहा है, समझ रहे मतलब इसका? तख्ता पलट के बाद ये तब्दीली। नमस्कार इरशाद साहब, आज आपने फिर से गलती कर दी कुछ ऐसा बोलकर जो आपको शायद नहीं बोलना चाहिए। मैंने टोका भी था, मैंने टोका आपने कह दिया तो वो पार्ट जो आपका था, तो वैसे तो पाकिस्तान भी हमारा था, अब वापस ले लें, पीओके भी हमारा था, वापस ले लें। नहीं इरशाद साहब, ऐसे काम नहीं होता। हिंदुस्तान, अब आप बोल देंगे सालों साल, देखो 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 बीच में कौन बोला, अब बीच में कौन बोला? इरशाद जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। इरशाद साहब आपके साथ मेरी बड़ी अच्छी पटती है इस बात पर कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं कम से कम। चले चले, तो सबसे बड़ी बात अगर आप खुद पर चल पड़े कि किसका क्या था, तो फिर तो साहब आपके लिए थोड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हमें सबके मन में वापस ले लेना चाहिए। आपके शब्दों को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जहां तक बात है किसी भी देश के दो प्राइम मिनिस्टर को मिलना, वेल
मैं कहता हूं यार हो दोस्त हो नहीं हो, आपस में मिलने में कोई बुराई नहीं होती। जहां तक बात है इस्लामिक बनना, पाकिस्तान को देखकर या पाकिस्तान की राह पर चलना, क्या क्या पाया पाकिस्तान ने, वो क्या बांग्लादेश को दिखता नहीं है? ये चलिए हवा उड़ सकती है कि पाकिस्तान की राह पर, पाकिस्तान की राह पर जाकर मालूम है फायदा नहीं होगा, बांग्लादेश किसी भी तरह का घाटा रहेगा, और उस घाटे के भागीदार इंडिया इसलिए होगा क्योंकि वो भी मेरा, बांग्लादेश भी मेरा एक नेबर है, बराबरी का नेबर है, जिसकी आजादी में हमने उसका साथ दिया है, जिसके ऊपर जिस तरह की क्रूरताएं हुई हैं उससे उसे निजात पाया है। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, ज्यादा बड़ी बात यहां पर आती है कि क्या बांग्लादेश अपने लिए अच्छा कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो क्या वो टेररिज्म का टैग चाहता है? अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो क्या वो वापस FATF की तरफ बढ़ना चाहता है? या अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो वो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन चाहता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, पढ़ाई लिखाई कम चाहता है, हॉस्पिटल इत्यादि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं चाहता है? चॉइस उनकी अपनी है। सो मुझे लगता है अगर अगर मैं आपसे थ्योरेटिकली भी पूछ लूं ना कि क्या आप बांग्लादेश को मैनेज कर पाओगे अपनी इकोनॉमी में, आपको मालूम है सवाल का जवाब। लेकिन सवाल साथ ही में जांजवा जी ये भी है, यासिर जांजवा जी ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए अब कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट थी, जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, फुटप्रिंट था, वो तैयार किया गया पाकिस्तान में बैठ के? इसके कारण भी गिनवा दूंगी मैं भी कुछ देर में। अनामिका जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। पहली तो बात यह है कि आप लोगों का ये बुखार क्यों नहीं उतरता है कि पाकिस्तान बैठ के बांग्लादेश में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कुछ। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, आप बंगालियों को डील करने दें। कर्ण साहब आप बिल्कुल, आप कर्ण शैलेंद्र आप हौसला कर लीजिए, आप बिल्कुल, मैं आप की बातें बड़े अच्छे तरीके से सुनता हूँ, बड़े महजब तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस ये स्टॉर्म इन द कप क्यों चाहते हैं। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर UN के इजलास में गया हुआ है, आपके एक डिप्लोमेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोटोकॉल कि वो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, शहबाज शरीफ मालदीव के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, बांग्लादेश वाले को भी मिला है, और बहुत सारों को भी मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अब जहां तक रह गई बात कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये तो आपका ख्वाब है और ख्याल है। जो जमाते इस्लामी संगठन जो खुद चोर, जो अब तक बैन था बांग्लादेश में, 2013 में शेख हसीना ने बैन कर दिया था, तख्ता पलट के तुरंत बाद 1.5 महीने के अंदर उस पर से बैन हटा लिया जाता है। ये वो संगठन है जिसके ऊपर आरोप लगे कि जो आंदोलन था नौजवानों का उसको भड़काया गया, उसको कैप्चर किया गया, और ये वही संगठन है जिसको लेके अब कयास ये लगाए जा रहे कि इसकी पूरी चल रही सरकार में पूरा दखल है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके बयान आया है मरियम नवाज का, पहले वो सुनवाते हैं आपको, फिर आगे की बहस। कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है, और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। इरशाद जी, यासिर जी, आप लोगों की पोल तो मरियम नवाज खोल रही है, लौटूंगी मैं आपके पास, इसी पे चर्चा और करेंगे, लेकिन रॉबी सचदेवा जी, ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश की, इरशाद जी मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपको बताऊंगी, ठीक है? चलिए इरशाद जी, चलिए पहले इसी पे बोल दीजिए आप, मरियम नवाज जी जो बोल रही है ना, जरा इसी पे बोल दीजिए आप, क्योंकि वो खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि जो पाकिस्तान में अस्थिरता है वो यहाँ पे कोई नई बात तो नहीं है, और अब आप दोस्ती कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश को भी इसी फेरिस्त में शामिल करना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश को इस फहरिस्त से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को भी निकाल चुके हैं हम, क्योंकि दगाबाजी और जहर फैलाना और आतंक फैलाना हिंदुस्तान का अजल से ये काम है। अब बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका, आपको असल में प्रॉब्लम ये है, आपके अरबों डॉलर डूब गए, पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश में डूब गए, आपको देखें बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, डिक्टेटर नानी अम्मा जो कि हिंदुस्तान की है, मैं बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ,
उस नानी अम्मा से आजादी आती कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बंगाली आजाद हुए आपकी प्रॉब्लम क्या है, बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापस आना चाहते हैं, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरी वजीर आला, मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कोई बात की है उससे ही की है कि आप लोग कश्मीर के जरिए कश्मीर का ठीक है। एक बार फिर से मैं लौटूंगी इरशाद जी आपके पास। यूनुस और शहबाज की मुलाकात पर बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया है। आपको बांग्लादेशी छात्राओं की जो आवाज है, जो वहां के लोग सोचते हैं, जैसा कि अभी अभी कुछ देर पहले आपने कहा भी कि नहीं नहीं वहां के नौजवान ये चाहते थे, वहां के लोग ये चाहते थे, मुल्क ये चाहता था, तो देखिए छात्र वहां के क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सुनवाते हैं आपको, फिर आपसे रिएक्शन लूंगी मैं। पे मसालों का हब था ये, जो हमारा ऑल ओवर दी ये कराची और ये सारी साइड थी, ये हब था, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती थी, मेजर चीज़ें यहाँ से जा रही होती थी। आज भी ये जो चीज़ें सेटल्ड हैं यहाँ पे, ये चीज़ें उसी तरह से, मैं कह रहा हूँ अगर काश हम पे अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहे होते ना, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, आज हम इस हालत से ज़्यादा अच्छी हालत में होते। यासिर जी, आप लोगों की पोल तो वहां के नौजवान ही खोल रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है, कितनी अस्थिरता है, क्या हालात हैं। इस बीच बांग्लादेश से दोस्ती क्या ये मान लिया जाए? दरअसल कि जिस तरीके का टैग है आप लोगों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों को यहां पे रिलीज करने का या तैयार करने का, अब जो दोस्ती बढ़ रही बांग्लादेश के साथ, उसमें रणनीति क्या होगी आप लोगों के? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो शेख हसीना अब तक पाकिस्तान से तल्खी बढ़ रही थी, जो अब तक बात भी नहीं करती थी इस मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों पर समझौते नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, उसमें सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। अच्छा अनामिका जी,